नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। 25 दिसंबर को होने जा रहे शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इमरान बॉबी प्रदेश सचिव सम्मेलन प्रभारी ने प्रोग्राम को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 25 दिसंबर को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का BPL ग्राउंड फिरोजाबाद में होगा आगमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। काफी हद तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रोग्राम का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। तो वहीं एहतिशाम अली बाबा जिला प्रभारी ने कहा कि वारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 25 तारीख को फिरोजाबाद आ रहे हैं और उनका आना और जिन मुद्दों पर बात करेंगे उन मुद्दों पर बात करना फिरोजाबाद की आवाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे इमरान बॉबी प्रदेश सचिव सम्मेलन प्रभारी, एहतिशाम अली बाबर जिला प्रभारी, 97 विधानसभा आवेदक आसिफ इकबाल, 97 विधानसभा आवेदक साकिब नईम, मौजूदा महानगर संगठन प्रभारी साहिबे आलम, महासचिव शादान व पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखे फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। आज जनाब इमरान बॉबी साहब जो प्रदेश सचिव हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और फिरोजाबाद में जो कार्यक्रम होने जा रहा है शोषित वंचित समाज सम्मेलन, उसके ये प्रभारी भी बनाकर पार्टी ने भेजा है। लिहाजा इस वार्ता का मतलब ये है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीडिया के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि 25 तारीख को मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिरोजाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं और एक जलसे आम को ख़िताब करेंगे, इसीलिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता यही है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि 25 तारीख में बैरिस्टर साहब का फिरोजाबाद के अंदर शोषित वंचित समाज सम्मेलन है और BPL ग्राउंड पर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। कितनी तारीख है और कितने बजे तक की सुबह? तारीख है 25 तारीख है, 25/12/2021 और 12 से 3 बजे का टाइम। असल माना जाए तो किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है पार्टी? हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात यह है, हमें हिस्सेदारी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम हेल्थ पर, जो फिरोजाबाद के अंदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ पर काम नहीं हुआ है पिछले 10 साल से, यहाँ BJP का MLA है उसने कोई काम नहीं किया है, एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है, रोड्स पर काम नहीं हुआ है, ये मुद्दे रहेंगे हमारे। क्या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही जो है वोटर्स को लुभाना होगा या जो है अदर्स को भी लुभाया जाए? नहीं, हम तो सभी समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ दलित समाज है, हमारे यहाँ तक कि ये हमारा जो प्रोग्राम शोषित वंचित समाज सम्मेलन है, इसी में जो लोग जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, ये उसी में सभी लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो हमारा ये प्रोग्राम सभी को लेकर है। फिरोजाबाद में वैसी जी का आना हो रहा है तो क्या मान सकते हैं कि हवा किस रुख पर चलेगी, क्या मकसद रहा उनका आने का? उनका मकसद जो है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास करके फिरोजाबाद में BJP ने पूरी तरह से अपना गढ़ बना लिया है, यहाँ का मेयर BJP का है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो BJP का है, यहाँ के जो पार्षद हैं वो मोस्टली BJP के हैं, यहाँ पर MP BJP का है, यहाँ जो दूसरी सेकुलर पार्टीज़ अपने आप को सेकुलर पार्टीज़ कहती हैं, जो मुसलमानों का वोट लेती हैं, वो BJP को हराने में नाकाम रही हैं। इंशाल्लाह ताला हम BJP को फिरोजाबाद में हराएंगे। टिकट कब तक क्लियर होगा? टिकट जनवरी के शुरुआत में ही क्लियर हो जाएंगे।